जब भी चावल बच जाते हैं तो हम उसे दोबारा फ्राई कर लेते हैं या तो गरम करके दाल या सब्जी के साथ खाते हैं। लेकिन आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसके बाद घर पे बच्चे जानबूझकर बोलेंगे कि चावल बचा कर रखो और दोबारा इस रेसिपी को बनाओ। बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं लगेगा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा और थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि 5 से 6 काली मिर्च, इलायची कूट कर डालेंगे, सौंफ, दालचीनी और जो भी आपके पास खड़े मसाले हैं आप डाल सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियां जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन की कलियां हमने ज़्यादा डाली हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये देखिए लहसुन का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज कट करके बड़े बड़े टुकड़े इसके कट किए हैं और इसे हम डालेंगे, इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अच्छे से लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। 2 मिनट ढक कर रखेंगे तो जल्दी से पक जाएगी हमारी जो प्याज हमने इसमें डाली है। और जैसे ही प्याज पक जाएगी, मैं सौंफ डालना पहले भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाली है, हल्का सा हमें इसका कलर भी चेंज नहीं होने देना है, बस थोड़ी सी गल जाए जैसे प्याज तो हम उसके बाद डालेंगे इसमें सब्जियाँ। सब्जी आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च लिया है, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, आप गाजर का यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी हम ढक कर पका लेंगे 2 से 3 मिनट। आप पत्ता गोभी, गाजर, हरे मटर, जो भी आपके पास सब्जियां हो आप सब कुछ डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी उतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी। अब हमने यहाँ पर डाला 1 छोटी चम्मच नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा गलने तक इसको पकाएंगे जब तक हमारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाएँ। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी, जब इसमें थोड़ी सी कसर रह जाए, थोड़ी सी कम पकी रहेंगी तो ही ये ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो हम इसे 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे तो ये थोड़े थोड़े गल जाती हैं, बस हम इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सब्जियां गल जाएंगी तब हम मसाले डालेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से बना रहे। और उसके बाद हमने यहाँ पर डाली है सोया चंक्स, सोयाबीन की बड़ी जो होती हैं वो पहले से भिगो कर रखी थी हमने पानी में, इसको भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर पकाएंगे कम से कम 5 मिनट, एकदम धीमी आँच में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमने जो सब्जियों में नमक डाला है वो सोया चंक्स के अंदर भी आ जाए। और 5 मिनट के बाद जब हमारी सब्जियां भी गल गई हैं और सोयाबीन भी अच्छे से पक गई है तो हम इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटर। टमाटर को भी हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस, सारी चीज़ें मैंने 1 बड़े चम्मच से मेज़रमेंट करके डाली हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो हमारी रेसिपी है वो चाइनीज़ रेसिपी बन जाएगी, बहुत ही टेस्टी। तो हमने सारी जितनी भी सॉस हैं सब डाली हैं और उसके बाद हमने जो बचे हुए चावल हैं वो डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आप देखेंगे कि इतनी टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी होगी। जो भी हमने इसमें सॉस डाली है उससे हमारी जो रेसिपी है उसका टेस्ट दुगना हो जाता है और बच्चों की तो फेवरेट रेसिपी इसीलिए बन जाती है क्योंकि हम इसमें सॉस का यूज़ करते हैं, टमाटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, और लास्ट में हमने मूंगफली फ्राई करके रखे थे जिसे डाल दिया है।
ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हमारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी है। ढेर सारी हम सब्जियां डालकर बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और हेल्दी रेसिपी भी है ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे वेज बिरयानी भी बोल सकते हैं, वेज बिरयानी है, बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसी तरह की और भी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कैसी लगी रेसिपी आपको कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।